तो किसी का धमाका हो या ना हो, लेकिन विद्युत जम्वाल का तीन बड़ी फिल्मों से धमाका जरूर होगा। हेलो नमस्कार, फिल्मी लाइट क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में धमाल मचाने वाले विद्युत जम्वाल, कमांडो 3 और खुदा हाफिज जैसी शानदार फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब वो तीन बड़ी फिल्मों में धमाल बैक टू बैक मचाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तीन बड़ी फिल्में कौन सी हैं जो कि इसी साल रिलीज होने वाली है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फिल्मी लाइट क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले। तो पहली फिल्म का नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2। आपको बता दें तो खुदा हाफिज का सीक्वल होने वाली है खुदा हाफिज चैप्टर 2, जिसमें विद्युत जम्वाल का साथ देने आ रही है शिवालिका ओबेरॉय एक बार फिर से। जबकि ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन जनर की फिल्म होने वाली है जिसमें विद्युत जम्वाल का धमाकेदार एक्शन सीन हमें देखने को मिलेगा, जिस फिल्म को 17 जून को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दूसरी फिल्म का नाम है शेर सिंह राणा, जो कि शेर सिंह राणा की बायोपिक होने वाली है। आपको याद होगा तो जिस तरह से 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो शेर सिंह राणा ने जो कि इसका बदला लिया था जो कि अपने अंदाज में, उसके बाद तिहाड़ जेल में एक बार इनको बंद किया गया था तो अपने साथी दिमाग के चलते वो जेल से फरार हो गए थे। यानी दोस्तों, शेर सिंह राणा की बायोपिक होने वाली है ये फिल्म, जिसमें विद्युत जम्वाल लीड रोल में नजर आएंगे, यानी कि शेर सिंह राणा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। जबकि इस फिल्म को साल 2022 में ही रिलीज करने की प्लानिंग की गई है। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म पर काम काफी तेजी से किया जा रहा है। फाइनली ये जो फिल्म होगी बहुत ही कमाल की फिल्म होगी, एक एक्शन जनर की फिल्म होगी, यानी कि थ्रिलर एक्शन हमें बड़े पैमाने पर इस फिल्म में देखने को मिलेगा और विद्युत जम्वाल बहुत ही कमाल के एक्शन लुक में हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट इस फिल्म का होने वाला है। तीसरी फिल्म के बारे में बात करें तो जिसका नाम है IV71। आपको बता देते, इस फिल्म के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। जबकि IV71 एक रोमांटिक थ्रिलर एक्शन जनर की फिल्म होगी, जिसमें विद्युत जम्वाल का धमाकेदार लुक हमें देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही शानदार इस फिल्म का कॉन्सेप्ट होने वाला है और जिस फिल्म को साल 2022 में ही रिलीज किया जाएगा। वैसे में विद्युत जम्वाल की इस साल की आने वाली तीन फिल्में लाइनअप में है। पहली फिल्म का नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2, दूसरी फिल्म का नाम है शेर सिंह राणा, तीसरी फिल्म का नाम है IV71। और दोस्तों, विद्युत जम्वाल के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जिस तरह की विद्युत जम्वाल की बॉडी है, जिन पर इस तरह की फिल्में काफी ज्यादा सूट करती हैं, यानी कि काफी ज्यादा फिल्मों को पसंद किया जाता है। आप दोस्तों देख लो कमांडो सीरीज को, जिसमें विद्युत जम्वाल क्या दमदार बॉडी के साथ हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद वहीं खुदा हाफिज को देख लीजिए, और भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसमें विद्युत जम्वाल की दमदार बॉडी हमें देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार इनकी फिल्में हैं। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट्स के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, विद्युत जम्वाल के आने वाली तीनों फिल्मों के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें।